वेलकम बैक टू द चैनल फ्लाई विदाउट विंग्स। मैं हूं आपकी फ्रेंड अवनी। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी कनाडा में फॉल सीजन की शुरुआत हो गई है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहां पर बहुत ही सुंदर नजारा है, क्योंकि फॉल सीजन का जो वेदर होता है ये बहुत ही सुंदर होता है और उसके साथ साथ जो ट्रीज है वो अपने बहुत ही ब्यूटीफुली कलर्स चेंज करते हैं और नेचर का बहुत ही अद्भुत नजारा देखने के लिए मिलता है। तो उसके लिए आज हम जाने वाले हैं नायग्रा ऑन द लेक, विच इज ऑल्सो नोन एज द वाइन कंट्री ऑफ कैनेडा। और रास्ते में जो भी मुझे ब्यूटीफुल सीनिक स्पॉट्स दिखेंगे वहां पर मैं आज रुकने वाली हूँ और आपके साथ फॉल सीजन के ब्यूटीफुल व्यूज शेयर करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर गाइस आप चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना इज ऑलवेज फ्री, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। तो गाइस जब भी आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं, मेरे वीडियोस पे कमेंट करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं तो गाइस प्लीज उसे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताते रहिए कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट बना सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं से स्टार्ट करते हैं। लेट्स वेलकम फ्रेंड्स। Just look at the view here. These are the beautiful colors of the fall. तो कनाडा में जब सितंबर का मिड स्टार्ट होता है तभी से जो भी यहाँ के जो भी ट्रीज हैं वो अपने कलर चेंज कर देते हैं और फिर जब फॉल सीजन एंड होने आता है और विंटर स्टार्ट होने की शुरुआत होती है तब सारे लीव्स जो हैं वो निकल जाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर हो गए हैं अभी इन लीव्स के। तो ये जो लुकआउट एरिया है इसका नाम है रॉक वे कंजर्वेशन एरिया और ये नायग्रा फॉल से लाइक 10 मिनट ड्राइव है। और कनाडा का जो आप अगर फ्लैग देखेंगे उसके अंदर जो लीफ होता है दैट इज़ द मेपल लीफ। और कनाडा का ये जो मेपल लीफ का जो ट्री है दैट इज़ द नेशनल ट्री ऑफ कनाडा। और आप अगर देखेंगे तो आपको सामने जो कलर्स दिख रहे हैं जो ट्रीज के ऊपर, मोस्ट ऑफ देम आर मेपल ट्रीज। तो उसके ऊपर जो आप यहाँ पर सामने जो क्लिफ देख रहे हैं उसके ऊपर ये ब्यूटीफुल से जो पेड़ हैं और उनके कलर्स हैं, बहुत ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से। और काफ़ी गहरा क्लिफ है ये, यू कैन सी इट्स क्वाइट डीप। तो गाइज अभी रास्ते में यहाँ पर हमने एक फार्मर्स मार्केट देखा तो हम यहाँ पर रुके हुए हैं। तो आप देख सकते हैं फॉल सीजन में काफ़ी पम्पकिन मिलते हैं एंड दे हैव लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ पम्पकिंस हियर। तो क्योंकि अभी फॉल सीजन की शुरुआत हो गई है और फॉल सीजन में जो सबसे पहला यहाँ पे लॉन्ग वीकेंड आता है वो होता है थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड। तो अभी थैंक्सगिविंग लॉन्ग वीकेंड चल ही रहा है और उसके अंदर यहाँ पर जो पम्पकिन है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ हैं जैसे कि सूप है, केक्स हैं, कुकीज़ हैं वगैरह बनाई जाती है और सर्व की जाती हैं। उसके साथ साथ जो अभी हेलोवीन आने वाला है, ऑलमोस्ट यू नो 2 वीक के बाद हेलोवीन है, तो हेलोवीन के टाइम पर लोग यहाँ पर पम्पकिन से डेकोरेट करते हैं अपने घरों को और पम्पकिन कार्विंग करते हैं जिससे वो जैक ओ लैंटर्न बना के अपने घर के बाहर रखते हैं। तो यहाँ पर हमने एक और बहुत ही सुंदर सा व्यू देखा है तो हम यहाँ पर रुके हैं ये व्यू देखने के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल से कलर्स हैं ट्रीज़ के, ऑरेंजिश येलोइश, इट्स लुकिंग क्वाइट प्रिटी। और उसके साथ साथ ब्यूटीफुल नायग्रा रिवर भी दिख रही है तो व्यू काफ़ी अमेजिंग है। तो अगर आप नायग्रा फॉल्स से नायग्रा ऑन द लेक तक ड्राइव कर रहे हैं इन फॉल सीज़न तो आपको बहुत ही सुंदर सुंदर सीनिक व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे।
एंड लुक एट दिस, हमने ये बहुत ही सुंदर सा व्यू देखा यहाँ पर। तो ये एक्चुअली एक पार्किंग लॉट है, लेकिन ये जो ट्रीज़ हैं ये बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। जैसे आपने अगर मोहब्बतें मूवी देखी होगी तो उसके अंदर जो मेपल लीफ थे, कुछ ऐसा ही नज़ारा है यहाँ पर। Hey guys, so finally we have arrived in the beautiful town of Niagara on the Lake. And before we start exploring the popular Queen Street, let me show you the most iconic building here in Niagara on the Lake, which is the Prince of Wales Hotel. This hotel was established in 1864, and this is one of the most picturesque spots. So if you are coming to Niagara on the Lake, do stop by here to take really good photos. If you are looking at the outside sculpture of this building, it will remind you of the ancient sculptures. And that's why this building is very popular to take some really good photos, and it is the landmark here in Niagara on the Lake. तो चलिए फिर अभी हम एक्सप्लोर करते हैं द ब्यूटीफुल टाउन ऑफ नायगरा ऑन द लेक, और यहाँ की जो मेन मेन अट्रैक्शंस हैं उसे एक्सप्लोर करते हैं। लेट्स गो। तो ये है क्वीन स्ट्रीट, और क्वीन स्ट्रीट यहाँ पर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, आइसक्रीम प्लेसेस हैं, बुटीक शॉप्स हैं। तो अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं आपके फैमिली के साथ, तो यू कैन डेफिनेटली कम हियर, यू विल हैव अ ग्रेट टाइम। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप नायगरा ऑन द लेक को हॉर्स कैरेज राइड करके एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, तो आई एम श्योर यू विल हैव फन। तो ये है द क्वींस रॉयल पार्क, और इस पार्क की जो हाईलाइट है वो है ये गज़ीबो। ये गज़ीबो इसकी वजह से फेमस है क्योंकि इसे बनाया गया था इन द ईयर 1980 फॉर अ हॉलीवुड मूवी कॉल्ड द डेड जोन, और मूवी ख़त्म होने के बाद इस गज़ीबो को यहाँ पर इस टाउन में डोनेट किया गया था, फिर इस पार्क पे लाया गया था। तो गाइस चलिए अभी हम एक्सप्लोर करते हैं द ब्यूटीफुल क्वीन स्ट्रीट। तो अगर आप नायगरा फॉल्स आ रहे हैं तो वहाँ से नायगरा ऑन द लेक का डिस्टेंस ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का ड्राइविंग है, और जैसे ही आप क्वीन स्ट्रीट पहुँच जाएंगे वहाँ पर आपको ये ब्यूटीफुल सा क्लॉक टावर दिखेगा। दिस इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिक स्पॉट्स हियर इन नायगरा ऑन द लेक, और उसके सामने ही जो बिल्डिंग है दैट इज़ द कोर्ट हाउस। तो इट्स अ रियली गुड स्पॉट फॉर टेकिंग रियली गुड पिक्चर्स। और स्ट्रीट के दोनों ही तरफ आपको इस तरह के छोटे छोटे से बुटीक शॉप्स नज़र आएंगे, और वहाँ पर आप काफ़ी अच्छा अच्छा सामान बाय कर सकते हैं, जैसे कि गिफ्ट्स बाय करना चाहते हैं या तो फिर एंटीक चीज़ें बाय करना चाहते हैं, सोवेनर्स बाय करना चाहते हैं आपके फैमिली के लिए, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। और अभी मैं आई हूँ एक फेमस आइसक्रीम शॉप के अंदर जिसका नाम है द काउस। तो ये जो स्टोर है काउस, दिस वॉज एक्चुअली ओपनड इन 1983, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइसक्रीम शॉप्स हैं यहाँ पर इन नायगरा ऑन द लेक। और कहा जाता है कि यहाँ पर कनाडा का सबसे बेस्ट आइसक्रीम मिलता है, तो इफ़ यू आर कमिंग टू नायगरा ऑन द लेक यू मस्ट चेक आउट द आइसक्रीम हियर। तो स्ट्रीट के दोनों ही तरफ जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको छोटे छोटे एंटीक और बुटीक शॉप्स दिखेंगे, और उसका जो एक्सटीरियर है वो काफ़ी हद तक आपको यूरोपियन फील देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने ये ब्यूटीफुल सा एक शॉप है जिसका एक्सटीरियर बहुत ही सुंदर लग रहा है, और जैसे ही आप थोड़े से आगे जाएंगे स्ट्रीट के ऊपर वहाँ पर आपको ये स्टोर दिखेगा जिसका नाम है गोडेल। इट इज़ एक्चुअली अ गिफ्ट शॉप, और इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते हैं, तो यू मस्ट चेक इट आउट। और उसके बिल्कुल ही साथ में यहाँ पर एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है जिसका नाम है शॉ कैफ़े एंड वाइन बार। तो दिस इज़ एक्चुअली लाइक अ यूरोपियन लुकिंग रेस्टोरेंट विद अ वेरी नाइस पैटियो। There is a Christmas decor store here that's called Just Christmas. Let's go in and check it out. They have some really good Christmas ornaments. तो अगर आप क्रिसमस के लिए कोई भी शॉपिंग करना चाहते हैं तो दिस स्टोर इज अ मस्ट चेक आउट। यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैरायटी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई वाज रियली सरप्राइज्ड टू सी कि अभी तो क्रिसमस में बहुत ही टाइम है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो स्टोर है ये पूरा क्रिसमस वाला फीलिंग दे रहा है, और इसके अंदर सब कुछ अवेलेबल है, क्रिसमस ट्रीज से लेकर क्रिसमस ऑर्नामेंट्स से लेकर क्रिसमस डेकोरेशन से लेकर एवरीथिंग।
और हमारे आने वाले वीडियोस में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कनाडा में क्रिसमस किस तरह से मनाते हैं और यहाँ पे बहुत सारी जगह पे लाइटिंग होती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे बने रहिएगा गाइस। तो अभी हम जा रहे हैं कूल एज़ अ मूव स्टोर के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही क्यूट सा मूव रखा गया है, लुकिंग क्वाइट क्यूट। और ये एक सोवेनर शॉप है, तो यहाँ से आप नायग्रा ऑन द लेक की टी शर्ट बाय कर सकते हैं या सॉक्स बाय कर सकते हैं, कोई भी आप गिफ्ट्स वगैरह बाय कर सकते हैं फॉर किड्स एंड एडल्ट्स फॉर एवरीवन। और यहाँ पे एक और एंटीक स्टोर है, तो ये जो स्टोर है इसका नाम है वर्जन्स और ये 30 साल पुराना स्टोर है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे एंटीक जो है वो बाहर रखे गए हैं, विच इज़ क्वाइट अमेजिंग। So guys, just look at this beautiful tree. It is shining so nice and bright. And the beautiful color is just breathtaking and it's amazing. So guys, look at the beautiful sky. The view is very amazing. Look at the yellowish sky along with this beautiful trees. So if you come to Niagara on the lake, it will give you one of these European feels without going to Europe. तो गाइस आज का ये वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं गाइस तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं आपको मिलती हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।